हैप्पी दिवाली। Hi, hello, namaste everyone. This is your very own Yashraj Kapil. And this is your very own Tanu Yashraj Kapil. So welcome back to our channel and I hope you guys are happy, healthy and safe. Ek minute. There's something that is very, very important jo hum aapko kehna chahenge. That is, Happy Diwali! So, guys, आज दिवाली है आपको और आपके परिवार को दिवाली की ढेर सारी शुभकामनाएं. आई नो जब तक ये व्लॉग आएगा दिवाली जा चुकी होगी बट फीलिंग वही रहेगी. सो आई होप आप सभी ने बहुत अच्छे से सेलिब्रेट की हो दिवाली एंड आपका परिवार और आप हमेशा खुश रहे. सो इसको तो कुछ याद रहता नहीं है तो मैं याद दिलाती हूँ क्योंकि मैं बीवी हूँ और बीवियों को सब याद रहता है. डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल. सब्सक्राइब सब्सक्राइब. अभी मैंने याद दिलाया तो बोला ना. अरे ठीक है ना. सो सब्सक्राइब टू दिस चैनल. लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए. एंड ऑल्सो फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम @YashRajKapilOfficial @TanuYashRajKapil. या फॉलो अस गाइज. विल सी यू गाइज लेटर और दिखाते हैं आज दिवाली पे हम लोग क्या क्या करते हैं. बाय. मैं अभी यहाँ बैठी हूँ, अपनी कॉफी इंजॉय कर रही हूँ, मॉर्निंग कॉफी. और मैंने अपने नेल्स कराए हैं. बताना कैसे लगे. दिस इज गोल्ड. अभी तो मैं फिलहाल कॉफ़ी पी रही हूँ. देखा ये खाना बना दी. खाना खाने के बाद मैं फटाक से रंगोली बनाने में लगूँगी और जो मंदिर वाला रूम है उसमें डेकोरेट करूँगी सब. सो या आज का तो दिन ऐसे ही जाएगा दिवाली का. और आई थिंक 6:30 बजे का मुहूर्त है और इस बार एक ही मुहूर्त निकला है. सो हम लोगों के पास ऑप्शन नहीं है. सो उसी टाइम पर हमें पूजा करनी पड़ेगी. आप लोग भी कमेंट करके बताना आप लोगों की दिवाली कैसी गई. हमारी बहुत अच्छी जा रही है. और ये यहाँ लेटे हुए हैं मिस्टर कपिल. ये वाला जो इंसान है ना, ये मुझे ये वाला इंसान काम कर रहा है. ये वाला जो इंसान है ना, ये वाला ये मुझे कॉफ़ी नहीं दे रहा. कॉफ़ी की ड्यूटी इसकी होती है. मॉर्निंग कॉफ़ी मुझे यश देता है. और नहीं, चाय मैं 4 पीऊँ, चाय मैं 10 कॉफी पीऊँ, चाय मैं 1 पीऊँ, मुझे यश देता है मॉर्निंग कॉफी. और मेरी सेकंड है क्योंकि मैंने भी बहुत सारा काम किया है. मैं टाइम पे रेडी हूँ बाय द वे नहाकर. ये टी शर्ट चेंज करी, नहाए नहीं अभी. और मुझे बोला 5 बजे नहाऊंगा. 6 बजे की पूजा ना 1 घंटे पहले. मैं नहा के एकदम रेडी हूँ गाइस. देखो एक और हमें कितना सारा निकल दिया. मैंने भी तूने भी देखा. आप भैया को चिल्ला रहे थे. ये देख मेरे नेल्स कैसे लग रहे हैं. वाओ सुंदर है. मैं ये कराने चली गई थी, भैया ने देखा पूरा. कैसा रहा खेला था कल विराट कोहली. देखो मैंने भी देखे. मेरा लड़का भी देखता है ना. हाँ. तो देख खाना जब भी वो जीता तभी खाया. अच्छा. और हमारी रेखा क्या बना रही है आज. आज ये बटाटी का सब्जी और फुलावर का और पूरी. कब मिलेगी बटाटा. क्या होता है पहले आलू, आलू 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 को बटाटा बोलते हैं मराठी में. और क्या बना रही हो. फुलावर उसके साथ. फुलावर. हाँ फुलावर नहीं फायर है. और पूरी. पूरी और रायता. और बूंदी का रायता. आज रेखा भी देखो रेड रेड पहन के आई है. बड़ी सुंदर लग रही है आज रेखा. और इनका नाम क्या है पता है. क्या नाम है रेखा का. नाम बता. मेरा लक्ष्मी है. ये लक्ष्मी है. देखो आज लक्ष्मी जी आ गई हमारे घर. लक्ष्मी में आई है. The point is that you've made it. Yes, and I'm trying. Feeling matters करती है. अभी बनने में time है. अभी flowers से लेके decorate. मेरे पास flowers हैं तो शायद मैं successful. It will save your case. Yes. Thank you.
गाइस, सो 6 बज चुके हैं शाम के और टाइम हो गया है पूजा का. सो मैं नहा लिया हूँ, मैंने कपड़े बदल लिए हैं. आई एम वेयरिंग दिस नाइस ग्रीन कलर कुर्ता. ये है हमारा मंदिर, तैयारियाँ हो गई हैं. वी जस्ट जो है हम लोग जोत जलाएंगे और आरती करेंगे और पूरे घर में फिर दिए जलाएंगे. तरुण दिए जला रही है, उसके बाद हम कुछ खाएंगे और शायद नीचे जाएंगे और दैट्स इट. आई थिंक दैट्स व्हाट दिवाली इज ऑल अबाउट, बीइंग हैप्पी, बीइंग पॉजिटिव, फुल ऑफ लव. एंड आप लोग ज़रूर बताइएगा आपके दिवाली के रिचुअल्स क्या हैं, आप किस तरह से दिवाली सेलिब्रेट करते हैं. पटाखे बजाना पसंद है आपको या आप दूसरी तरफ हैं जो पटाखों में बिलीव नहीं करते? हम लोग फायर क्रैकर्स नहीं बजाते हैं. हमारे ब्लॉग में कॉफी ना हो ऐसा तो हो ही नहीं सकता. हम दिवाली वाले दिन भी कॉफी पीते हैं. क्या बोल रहे थे? कुछ बोल रहे थे अभी तुम? कॉफी नहीं, इधर उधर 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 क्या बोल रहे थे? त्योहार का मतलब क्या होता है? त्योहार का क्या मतलब होता है? मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी डाली आज और मैंने पूछा अपने फॉलोअर्स से कि आपके लिए दिवाली का क्या मतलब है. तो किसी ने बोला खुशी, किसी ने बोला प्यार, किसी ने कुछ, किसी ने कुछ. तो मुझे ऐसा लगता है कि ना कोई दिवाली, ना कोई होली, कोई भी फेस्टिवल जो है उसका एक्चुअल मीनिंग ये है कि जो कुछ भी आपके पास है, चाहे वो खुशी हो, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो प्यार हो, चाहे वो मिठाई हो, कुछ भी, जो कुछ भी आपके पास है वो आप अपने अराउंड लोगों से बांटो. ठीक है? तो फॉर एग्जांपल मुझे ऐसा फील हुआ कि अगर मैं अपने लिए इतनी सारी चीज़ें भी खरीद लूँ और मतलब जो मेरे को करना है वो मैं सब कर लूँ, मुझे वो करके वो उतनी खुशी नहीं होगी जितना मैं किसी और के लिए इतना सब भी करूँगा ना, तो जो यहाँ एक सुकून मिलेगा. तो आई थिंक हर फेस्टिवल का ना एक्चुअल पर्पस ये है टू शेयर वट एवर यू हैव, शेयर द हैप्पीनेस, शेयर द लव. एंड उसके अंदर जो खुशी आपको महसूस होगी ना, वो नहीं होती खुद के लिए करके. इसलिए एक चीज बोलूंगी, मेरे लिए करो. तुम कह रहे हो ना खुद के लिए करने में मजा नहीं आता, तो मेरे लिए करो ना, अपनी बीवी के लिए. कॉफी हो गई. बीवी के लिए करो ना. ये देखो, ये देखो, ये देखो. दिवाली वाले दिन सारे स्ट्रे एनिमल्स को बहुत तकलीफ होती है, इतनी तेज़ आवाज़ से, धुएं से, पोल्यूशन से हमारा एनवायरनमेंट हार्म होता है. बट लोगों को तो सिर्फ अपना वो 10 मिनट का मज़ा चाहिए. हम भी बचपन में ऐसे ही करते थे, हम कभी नहीं सोचते थे स्ट्रेस के बारे में, टू बी वेरी ऑनेस्ट. अब जाके हमारी सोच जो है अलग हुई है. ये देखो दोस्तों, फुल ऑन बदमाशी चल रही है. क्या बढ़िया क्वालिटी का पोल्यूशन है. नहीं बज रहा बम. हाँ? बम नहीं बज रहा. हाँ? मुझे लगाना नहीं आता है, बट आई ट्राइड. यार देखो, फीलिंग मैटर करती है ना, तो फीलिंग से लगा. मैं बहुत फील करती हूं, इसलिए देखो पटाखों का हाल देखो बाहर,
सो आई होप आपको हमारा ये लुक अच्छा लगा हो एंड आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा हो. अगर अच्छा लगा हो तो क्या करना है, क्या करना है वो बता. क्या मतलब तू इतना खोल मेकअप में, तेरे को ये भी नहीं याद क्या करना है. आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब. आपको करना है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट. और एक मिनट, नोटिफिकेशन की घंटी जरूर बजा देना ताकि अगला ब्लॉग आप तक जरूर पहुंचे दोस्तों. सो अंटिल नेक्स्ट टाइम मिलेंगे आपसे. अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए, टेक केयर, बाय बाय. तुमने पूरी दिवाली बना ली. हाँ. अच्छे से सेलिब्रेट कर ली. हाँ. मैं अच्छे से तैयार हो ली. हाँ. तुम भी अच्छे से तैयार हो लिए. अरे यार पॉइंट पे आना. नीचे भी हुआ है. हाँ. तुमने मुझे ऊपर से लेकर नीचे तक निहार भी लिया. हाँ. और ऊपर से लेकर नीचे तक सारी पिक्चर्स भी ले ली, वीडियोस भी बना ली. अरे पॉइंट क्या है. लेकिन तुमने ये नहीं बताया कि मैं कैसी लग रही हूँ. नॉट डन यश, मैं तुम्हारे लिए तैयार हूँ पता है. तू ना कोई विंटेज महारानी लग रही थी आज. महारानी विंटेज क्यों? मतलब पुराने जमाने की महारानी. कोई मतलब जैसे पुराने टाइम में होती थी यार.